चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। हमने एनीमिया के लेवल पर जो हाइपोक्सिया देखना है, बाकी हम लोगों ने स्टार्टिंग में हाइपोक्सिया की कुछ कंडीशंस देख ली थी। बीच में 2 दिन हमने रक्षाबंधन के लिए, कई लोगों ने मुझे फोन किया था इसलिए मैंने छुट्टी रखी थी, और मैंने भी क्लिनिक बंद करके अपना एंजॉय किया दोस्तों। मेरे आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग कोई डिसीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज बहुत सारे चीजें मेरे को साइमल्टेनियसली एक बाय एक लिंक के रूप में बताना है, इसलिए आज रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए हम ये 5 टॉपिक क्लियर करेंगे, क्योंकि ये ट्रैवल प्रैक्टिस में हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनका डायग्नोसिस ये हमारे लिए सबसे बेटर इंपॉर्टेंट लेकर आता है। अगर हमें डायग्नोसिस नहीं होगा दोस्तों तो हम किसी भी लेवल पर इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग कनेक्ट करेंगे जिससे हमारा जो प्रोसेस होता है डायग्नोसिस का, सिम्टम को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना, वो आज हम लोग सीखेंगे। याद रखिए एनेमिक हाइपोक्सिया एक प्रकार का वो हाइपोक्सिया होता है दोस्तों जो एनेमिक कंडीशन के द्वारा कॉज होता है, यानी यहाँ पर एनेमिक कंडीशन कॉज होती है दोस्तों, यानी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नॉर्मल रहती है लेकिन एनीमिया के कारण ब्लड ऑक्सीजन को सफिशियंट अमाउंट में लेने में सफल ही नहीं होता, एबल ही नहीं होता है दोस्तों। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यानी आप नॉर्मल प्रोसेस करते रहिए फिर भी ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद जो ब्लड है उस हीमोग्लोबिन से जो कंबाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेगा और ये एनिमिक हाइपोक्सिया कहलाता है दोस्तों। जब आप एनेमिक हाइपोक्सिया को देखते हो, पेशेंट थोड़ी सी दूर चलता है, आप देखो सांस फूलने लग जाती है, वो बोलता है मुझे बॉडी एक हो रहा है ना, मुझे हेडेक हो रहा है, लगातार फीवर लो ग्रेड बना हुआ है। ये एनीमिया के जितने साइन होते हैं सारे साइन दिखाएगा लेकिन डायग्नोसिस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यह चल रहा है तो यह एनेमिक हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है इसलिए चल रहा है। यानी एक एनेमिक हाइपोक्सिया ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसका डिक्रीज होना होता है और उसी के द्वारा ये कैरेक्टराइज होता है। इन्हें आपको सिंपल सा समझ जाना है कि इसके जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड पतला है, डाइल्यूटेड है, और डाइल्यूटेड है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जो कंबाइंड है ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की जो उसकी कैपेसिटी होती है ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, इसलिए यहाँ पर भी आपको एनिमिक हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा और पेशेंट सभी फीचर अगर आप देखोगे कोरिलेट करके तो ऑलमोस्ट सारे फीचर इक्विवेलेंट नजर आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल नजर आते हैं। इसलिए टेबल प्रैक्टिस में इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। याद रखना एनीमिक हाइपोक्सिया के आप कॉज देखते हो तो कोई भी कंडीशन जो एनीमिया को कॉज करती है वो एनीमिक हाइपोक्सिया कहलाता है, ठीक है? याद रखना कोई भी कंडीशन जो यहाँ पर एनीमिया को कॉज करती है वो एनीमिक हाइपोक्सिया को ही कॉज करेगी, और ये डायग्नोस्टिक वैल्यू तय करता है सिम्टोमेटिक जब आप वहां पर ऑब्जर्व करते हो। याद रखना दोस्तों कई कंडीशन होती है जिसके अंदर आकाश होती है, जैसे डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, यानी आप देखेंगे कई केसेस में आपको आरबीसी की मात्रा ही कम मिलेगी, कई केसेस में आप देखेंगे एचबी कंटेंट इन ब्लड जो है डिक्रीज होता है, यानी हीमोग्लोबिन कंटेंट, ये आपका बहुत सारे फैक्टर लेकर आपका हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है? वहां पर अल्टर्ड एचबी का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, सल्फर विद हीमोग्लोबिन वाला एचबी, ठीक है? तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड एचबी वो ज्यादा बन रहा हो, ठीक है? यानी कोई दूसरी डिसीज साइमल्टेनियसली वहां डेवलप हुई हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एचबी विद गैसेस अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस तो नॉर्मली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से कंबाइंड होती है, इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी गैसेस होती है जो आपके बॉडी में पाई जाती है या एटमोसफेयर में पाई जाती है, उसके साथ अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो वो तो डेंजरस कॉम्बिनेशन है और इसीलिए वहां पर हाइपोक्सिया क्रिएट होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है? तो वहां पर यदि आप किसी ऐसे वातावरण से गए जहाँ बहुत ज्यादा धुआं उठ रहा है, आप देखो सफोकेशन हो जाएगा, सांस लेते नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये वो कंडीशन होती है जो यहाँ पर जनरेट होती है। याद रखना दोस्तों सबसे पहली कंडीशन हम इनको डिमोंस्ट्रेट करके देखें तो हमको समझ में आती है कि डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी सबसे ज्यादा देखी जाती है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि बोन मेरो में जहां पर जो प्लूरिपोटेंट सेल्स होती है वो स्टिमुलेट नहीं होती, ठीक है? और बोन मेरो डिसीज डेवलप होती है और इन बोन मेरो डिसीजेस में ऑक्सीजन जो है
पर्टिकुलर वहां पर बॉडी में है, लेकिन आरबीसी का निर्माण ही वहां पर नहीं हो रहा, इस वजह से वहां पर आपको डिसीज क्रिएट होती हुई नजर आती है। हिमोरेज, यदि आप आरबीसी बन रही है नॉर्मल, लेकिन अचानक हिमोरेज हो गया, आपके आरबीसी की क्वांटिटी रिड्यूस हो गया। अब आपको पता है कोई एकाएक आरबीसी नहीं बना देगा, आपकी स्प्लीन में जितनी आरबीसी मौजूद है वो रिलीज हो जाएगी, लेकिन बोन मेरो से एकाएक मैच्योर आरबीसी नहीं होगी। और अगर मैच्योर आरबीसी के लिए फास्ट वहां पर कराओगे, सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशन वहां पर टॉलरेट हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पर आरबीसी डिक्रीज होती है तभी ये कंडीशन डेवलप होती है। ब्लड में अगर आप एचबी कंटेंट का डिक्रीज का कारण देखोगे तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है दोस्तों, जिसमें आरबीसी काउंट का डिक्रीज होना होता है, या उसके शेप का, उसपे आरबीसी के साइज का डिक्रीज होना होता है, अर्थात स्ट्रक्चर का चेंज होना होता है। ब्लड में एचबी कंटेंट का डिक्रीज करने का काम होता है दोस्तों, और यही कारण है जब पेरिफेरल स्मियर किया जाता है, यानी एक पेशेंट का ब्लड ले लिया, ब्लड को एक ड्रॉप स्लाइड पे डाल दिया और उसको दूसरी स्लाइड से फैला लिया, फैला के सूखा के स्टेन किया, स्टेन करके उसमें मॉर्फोलॉजी देखी जाती है कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहां पर डायग्नोस किया जाता है कि माइक्रोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स, स्फीरोसाइट्स, सिकल सेल्स, पोइकिलोसाइट्स किस प्रकार के सेल्स है, और उन पर्टिकुलर सेल्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वहां पर ये सारे प्रोटोकॉल्स तय किए जाते हैं। इसलिए याद रखना दोस्तों, ये सारी चीज साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तीसरी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्टर्ड एचबी। ठीक है, जब आप क्लोराइड्स की बात करते हैं, नाइट्रेट्स की बात करते हैं, फेरिसाइनाइड्स की बात करते हैं, ये वो चीज है जो अल्टर्ड एचबी के रूप में डेवलप हो जाती है दोस्तों। ठीक है, वो जब ये अल्टर्ड एचबी होता है ना दोस्तों, इसके साथ पॉइजनिंग होने के कारण आयरन का फेरिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन होना, और एचबी को हम दोस्तों मीथ हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं, वो मीथ हीमोग्लोबिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यही मीथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन नहीं होता है दोस्तों, याद रख लेना, जब मीथ हीमोग्लोबिन बन गया ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होता है, इसीलिए एचबी की जो क्वांटिटी होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जो वहां अवेलेबल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यानी मीथ हीमोग्लोबिन हो गया तो वो एचबी की जो क्वांटिटी होती है रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस हो जाएगी तो वो पर्टिकुलर मान नहीं जाएगी, इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ एचबी विद गैसेस अदर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो एचबी का होता है जो गैसेस के साथ होता है अदर देन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अतिरिक्त जितनी भी गैसेस होती है उनके साथ कनेक्ट होता है। जब आप एचबी को कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के साथ अगर वो कंबाइंड हो गए दोस्तों, तो याद रखना वो हीमोग्लोबिन कहाँ कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन सल्फेट या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसेस के साथ में भी कंबाइंड हो जाएगा, और इसीलिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी होती है बॉडी में वो लॉस हो जाएगी। और यही कारण है जब बहुत सारी ऐसी टिपिकल कंडीशंस डेवलप होती है जिसमें रेस्पिरेटरी डिसीजेस होती है, उन रेस्पिरेटरी डिसीज में इस सारे के सारे लिंक का आपको टैली करने की जरूरत पड़ता है, ये कनेक्ट करने की जरूरत पड़ता है, और इन्हीं कनेक्टेंस के बिहाफ पर दोस्तों आप लोगों का डायग्नोसिस बनना चाहिए। तो ये एकाएक नहीं बनता, जब तक आपका ये बिहेवियर तय हो जाए कि हाँ ये चीजें, ये चार में से अगर आपको समझ में आया तो आपको बहुत सारे केसेस नजर आ जाएंगे, और ये कैसेस आप चुटकी भर ऐसे बजाएंगे तो ऐसे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको टैली करना पड़ेगा अपने आप को, मैंने कितनी पढ़ाई करी है, मैंने अपने आप को कितना अपडेट किया है, फिजियो पैथो एनाटॉमी के लेवल पर मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ। चुटकी बजाते आप ठीक हो जाओगे दोस्तों, ठीक है, आप अपने ही लोगों में से, अपने ही ग्रुप के लोगों को देख लो, फटाफट फटाफट डायग्नोसिस हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, हम लोगों में, हमने एक बार पढ़ लिया उसके बाद हमने कभी झांका ही नहीं बुकों में, आज हम जो पढ़ रहे हैं ना तो हमारे अंदर का ही सब बाहर निकल के आ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आपको डेली प्रैक्टिस में आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हो, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक थ्योरी के बेसिस पर बता रहा हूँ, पॉइंट्स मैंने नोट किए उसको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि प्रैक्टिकल ऐसे करना है, ठीक है, याद रखो। दूसरी बात करते हैं स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया। ठीक है, अब स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया क्या होता है, वो हाइपोक्सिया होता है दोस्तों जो कि ब्लड फ्लो की जो वेलोसिटी होती है, यानी ब्लड के बहने की क्षमता, ठीक है, उसके डिक्रीज के द्वारा काज होता है, और इसीलिए हम इसको हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया भी कहते हैं। यानी अभी तक हमने देखा ऑक्सीजन की कमी हो गई, फलाना हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, लेकिन अब जब हमने स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया को देखा तो स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया में क्या हुआ, ब्लड गाढ़ा हो गया,
ठीक है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, उसी के द्वारा काज होता है दोस्तों, इसे हम हाइपोकाइनेटिक हाइपोक्सिया कहते हैं। जब आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हो कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में किस रूप में हमारे सामने आ रहा, तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया ब्लड फ्लो की डिक्रीज वेलोसिटी के द्वारा करेक्टाइज होता है। इनमें बाकी जितने भी फीचर्स होते हैं सारे नॉर्मल होते, कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं होती, केवल ब्लड गाढ़ा हो गया। तो आज के समय में तो आप देखते हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्लड गाढ़ा हो रहा है ना, उन तमाम केसेस में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से लिंक करेंगे। इसलिए यहां पर आपको ब्लड को इम्प्योर जो हो रहा है उसको प्योर करने की जरूरत पड़ेगी। ब्लड की प्योरिफिटी के लिए आपको टॉक्सिक क्लियर ड्रॉप चलाना पड़ेगा साइमल्टेनियसली हाइपोक्सिया के लेवल पर, और वहां पर पर्टिकुलर जनरल टैनिक डी पाइप में एस पाइप P1 C13 B का प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, जिसे आपको याद रखना है C13 इज अ ब्लड प्यूरिफायर, ठीक है, एज वेल C17, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत तेजी के साथ में ये सारे फीचर्स नॉर्मल होते चले जाएंगे। जब आप स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया के कॉजेस पे जाओगे आपका पूरा प्रोटोकॉल तय हो जाएगा, बिकॉज ब्लड गाढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है, इसके कारण आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। तो स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया मेनली ब्लड फ्लो की वेलोसिटी में रिडक्शन के कारण उत्पन्न हो रहा है, ये हमने देखा। तो ब्लड फ्लो की वेलोसिटी इन कंडीशन में डिक्रीज हो रही है भाई, जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ यानी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हीमोरेज की कंडीशन, सर्जिकल साफ की कंडीशन, इम्बोलिज्म की कंडीशन, वेजोस्पाज्म की कंडीशन, थ्रोम्बोसिस की कंडीशन, हाइपरटेंशन की कंडीशन, किडनी फेलियर की कंडीशन, ये सारी कंडीशन यहाँ पर स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया को इंडिकेट करती है। इसलिए प्रोटोकॉल जब आप पैदा करेंगे बनाएंगे तो उस दौरान आपको साइमल्टेनियसली इनकी पूरी जानकारी होना चाहिए कि ये डिसीजेस वहां मौजूद है या नहीं है। अगर है आप उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी हाइपोक्सिया जो है वहां पर इन डिसीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में आपके सामने आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना है ये कंडीशन हम क्लियर करेंगे तो वो डिसीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, माइंड कीजिएगा इस बात को। इसलिए ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वहां सामने आ रहा है। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं अगर आपने ये कैरेक्टर दूर कर दिया तो वहां का कैरेक्टर डिसीज का जो आ रहा है साइमल्टेनियसली क्यूर हो जाएगा। अगला होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, यानी सेल से जुड़ा हुआ, ठीक है। जो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया एक प्रकार का ऐसा हाइपोक्सिया होता है दोस्तों, याद रखना मैं आपको बता रहा हूं, जब डीजनरेशन कंडीशन होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन सेल और टिश्यू के लेवल पर गड़बड़ होता है। याद कर लेना, ऑक्सीजन सेल और टिश्यू के लेवल पर गड़बड़ होता है, अर्थात टिश्यू की ऑक्सीजन यूटिलाइज की इनेबिलिटी के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। याद रख लेना, सेल और टिश्यू की ऑक्सीजन यूटिलाइज की जो एबिलिटी होती है वो प्रभावित हो गई है, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये कैसे होगा भाई, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप कैसे देखते हो, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया यदि आप जब देखते हो ऑक्सीजन डिलीवर्ड हो जाता है तो ऑक्सीजन के यूटिलाइज के जो टिश्यू के लेवल पर होती है इनेबिलिटी हो जाएगा, उसके द्वारा करेक्टराइज होगा, या तो पर्टिकुलर रिसेप्टर गड़बड़ हो गए या पर्टिकुलर टिश्यू फ्लूइड में गंदगी पड़ी हुई है, सेल्स वहां पर प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं हो रहा क्योंकि जितना न्यूट्रिशन आया अंदर गया, वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट आया बाहर गया। अब यहां पर ब्लड लेकर आ रहा है, लिम्फ आपका लिम्फेटिक यानी लिम्फ जो होता है अंदर डालना बाहर डालना विनस में डालना ये काम होता है उसका, और पर्टिकुलर सेल कौन सी है, ये तीन प्रोटोकॉल आपको तय करना है, तीनों के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल तय हो जाता है। इसलिए याद रखना दोस्तों बाकी के सभी फीचर नॉर्मल होते हैं, लेकिन टिश्यू और ऑक्सीजन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो मेंटेन नहीं हुआ है ना। तो आपको टिश्यू की रेमेडी यूज करना है। अब टिश्यू की रेमेडी क्या आप लोगों को पता है ना, यही चीज समझने की जरूरत है। लंग्स में जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है या बॉडी में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसके लिए सबसे पहले C2 का इस्तेमाल किया जाता है, P2 का इस्तेमाल किया जाता है ना। इसलिए जब भी ऐसी बॉडी में कहीं पर भी तकलीफ आ रही है, ऑर्गेनोबूस्टर C2 को मत भूलना दोस्तों, इट्स अ मैजिक प्रोटोकॉल। D5 या सेकेंड डायलूशन, या सेकेंड डायलूशन बहुत परफेक्टली रोल अदा करता है दोस्तों। याद रखना जब आप इसके कॉजेस पे जाओगे कि भाई चलो ठीक है हमने इसको समझ लिया, तो कॉजेस क्या है, जब कोई वेस्ट प्रोडक्ट है ना बॉडी में कनेक्ट होता है, चाहे वो सल्फाइड हो चाहे साइनाइड हो, इनकी पॉइजनिंग के कारण टॉक्सिक पॉइजनिंग यानी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया उत्पन्न होता है, और ये पॉइजनस सब्सटेंसेस सेलुलर
ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जितने भी सेल्युलर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, उनको पर्टिकुलरली डिस्ट्रॉय कर देता है, और यही कारण है दोस्तों साइटोक्रोमल ऑक्सीडेशन सिस्टम का कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है। जो साइटोक्रोम होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेटिव जो सिस्टम होता है, जो वहां पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ऑक्सीडेशन कराता है, सेल की हील करता है, सेल को रिपेयर करता है, सेल का रीजनरेशन करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है, ये पूरा सिस्टम वहां पर पैरालाइज हो जाता है। और इसीलिए याद रखना, इसीलिए यदि ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो टिश्यू इस पोजिशन में नहीं होता है कि उसको यूटिलाइज कर पाए, ये मेन प्रॉब्लम है। तो आप इसे कहते हो टिश्यू डिजनरेशन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन। आपने गैंग्रेनल फोर्ड ऑर्गेनोबूस्टर को पर्टिकुलर D7 D8 D9 में दिया, आपने कुछ दिनों बाद देखा कि टिश्यू वहां पर रीजनरेट करने लग गया, रिपेयर हो गया है उसका पर्टिकुलरली, और वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अडॉप्ट करने लग गया और अपना काम करने लग गया। आपने देखा कि वहां पर जितना भी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा था वो सबसाइड हो गया। याद रखना, जनरल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा, है ना, याद रख लेना इस बात को। इसीलिए जब कभी भी आप इस प्रकार के हाइपोक्सिया को देखते हो, ये हमने जितने भी पढ़े कि भाई ऑक्सीजन की कमी कैसे भी हो जाना, आप केवल इतना समझो अगर हाइपोक्सिया हो गया तो भाई उसका इफेक्ट क्या और इमीडिएट इफेक्ट क्या मिल रहा है, हम कैसे डायग्नोस करेंगे, और अगर हम डायग्नोस करेंगे तो हमारा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। मेरा मानना है हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, ये दो मकसद यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने ये दो मकसद यहाँ पर इम्प्लांट कर दिए, आपको डरने की जरूरत नहीं, कितना भी क्रॉनिक पेशेंट हो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, आप देख लो कोरोना का उदाहरण ले लो, है ना, हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं जिन्होंने कोरोना के लेवल को मेंटेन किया, ऑक्सीजन लेवल फटाफट फटाफट, ईएच वालों ने जितनी तेजी से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया था उतना तेजी से तो होम्योपैथ वाले ने भी नहीं किया है दोस्तों, है ना, याद रखना दोस्तों। उसका कारण है हम लोगों के पास ऑर्गेनिक मेडिसिन है, हमने ऑर्गन्स के भी आप काम जरूर किया लेकिन हमने समझ के किया कि सेल और टिश्यू को मेंटेन कर दिया, है ना, और उसी सेल और टिश्यू के मेंटेनेंस पर हमने क्या करा, C1 C2 C3 C13 हमने तीनों में चारों मेडिसिन यहाँ पर जो है L1 V1 ये मेडिसिन को 200 डाइल्यूशन में लिया, है ना, और 200 डाइल्यूशन में जब इसको लिया हमने तो इस मेडिसिन के माध्यम से हमने जितना भी म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा था सबसे पहले उसको रोका कि भाई म्यूकस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, और फिर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उस टिश्यू की तरफ बढ़ाया। जनरल टैंक D5 में S5 C13 P1 BERA ये हमने प्रोवाइड किया, नेबुलाइज किया हमने, इससे क्या करा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दिया, बॉडी ने रीग्रोथ कर लिया, ऑक्सीडेशन कर लिया, फटाफट फटाफट पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर हम म्यूकस अगर वहां पर नहीं उसको रोकते म्यूकस बनने को तो क्या हम ये कर सकते थे, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो म्यूकस भरा हुआ है, COPD जैसी कंडीशन डेवलप हो रही थी, ठीक है, लंग्स से ही खा गए, मॉडर्न साइंस का कहना था कि ये तो लंग्स को खाने वाला वायरस है, ठीक है, तो आप सोचिए कि वहां कितनी प्रॉब्लम होती। लेकिन ईएच के अंतर हमने केवल दो प्रोटोकॉल्स के बिहार पर चेस्ट टाइल नेबुलाइज सबसाइड जब पेशेंट बहुत डेंजरस कंडीशन में था तब हमने प्रोवाइड किया। इसलिए याद रखने की जरूरत है एक्यूट और सीवियर हाइपोक्सिया के कारण अनकॉन्सियस हो जाता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है दोस्तों, यदि इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं किया गया ब्रेन डेथ उत्पन्न होती है, याद रख लेना। यदि एक्यूट और सीवियर हाइपोक्सिया होता है जब बॉडी के सेल्स को टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो चलेगा, कुछ समय में वो रिस्टोर हो जाता है, लेकिन अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो क्या होगा, ब्रेन डेथ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा डेथ दो प्रकार की होती है, एक आपके बॉडी के सेल्स की, एक आपके ब्रेन के सेल्स की। इसलिए यदि क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है दोस्तों तो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है ना, उसमें कई प्रकार के क्रॉनिक हाइपोक्सिया में बॉडी में जो बहुत सारे सिम्टम प्रोड्यूस होंगे तो स्पेशली जब हाइपोक्सिया की बात करेंगे तो दो प्रकार के इफेक्ट आएंगे, एक इमीडिएट इफेक्ट और एक डिलेड इफेक्ट, है ना। कई लोगों का रेजिस्टेंट बहुत अच्छा होता है तो इमीडिएट इफेक्ट आता है उससे ओवरकम हो जाता है, लेकिन डिलेड इफेक्ट होता है उससे वो सफर करता है, कई लोगों में इमीडिएट इफेक्ट आता है उसी में वो ढेर हो जाता है, है ना, वहां पर डिलेड इफेक्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आपको मुझे पता होना चाहिए पूरी बॉडी है, बॉडी में कई सिस्टम है, उन सिस्टम पर क्या इफेक्ट नजर आ रहा है ना, अगर उन सिस्टम पर इफेक्ट नजर आ रहा तो आपको और मुझे को क्लियर होना चाहिए, हम तुरंत वहां पर कनेक्ट कर दे, क्यों, क्योंकि हमारा सिस्टम ही है कनेक्शन का, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक रेमेडी है ऑर्गन्स पर इफेक्टिव,
लेकिन वो ऑर्गन का रिलेशन किसके सिस्टम से है वो तो हमें पता होना चाहिए। तो जब यह इमीडिएट इफेक्ट आएगा तो सबसे पहला इफेक्ट ब्लड पे आ रहा है, आप देख रहे हो, है ना। हाइपोक्सिया होने पर किडनी में एरिथ्रोपोएटिन के सिक्रेशन को इंड्यूस करेगा ये, है ना। जब भी किसी को हाइपोक्सिया होगा सीधा किडनी को अफेक्ट करेगा, किडनी से एरिथ्रोपोएटिन जो एंजाइम जो हार्मोन है उसको रिलीज करेगा। ये एरिथ्रोपोएटिन आरबीसी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा ब्रोन मेरो में जाकर, और इसी के कारण ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये इफेक्ट देखने को मिला है जिन लोगों में रीनल फेलियर होता है, किडनी फेलियर होता है। कई बार हमने H6-200 A3-200 देकर वहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाया। अब आप कहोगे साहब ये तो पॉजिटिव डिसीज है और आप तो वहां पर नेगेटिव प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं, है ना। याद रखना जब एंजाइमेटिक लेवल पर हार्मोन्स के लेवल पर काम करना तो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक दूर फीडबैक होता है, वहां पर उस तरीके से काम आपको करना पड़ेगा। वहां न्यूट्रिशन देकर आप नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पर आपको ब्रेन के माध्यम से कंट्रोल कराना पड़ेगा क्योंकि वहां तो फेलियर के लेवल पर जा रहा है ऑर्गन। इसलिए सारी प्रोसेसेस आपको याद रखना है। आप वीकली डोज दीजिए, ठीक है, 3 से 4 वीकली डोज दे दीजिए, 1 महीने के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा हीमोग्लोबिन, कोई दिक्कत। जितने भी क्रॉनिक केसेस होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, मेरा मानना है H6-200 और A3-200 वीकली देना चाहिए। जब आपको मैं अभी सिकल सेल एनीमिया बढ़ाने वाला हूँ आपको समझ में आएगा कि यार वाकई में H6-200 और A3-200 का कितना मैजिकल रोल सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिला है। याद रखना दोस्तों, पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा जब 1000 डॉक्टर इस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया को क्योर करने लग जाएंगे। अभी थैलेसीमिया में तो नीलिमा में हमने झंडे गाड़ दिए हैं दोस्तों, अभी देखो आप सिकल सेल एनीमिया के लेवल पर, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लेवल पर इफेक्ट है ब्लड है तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होगा, है ना। इनिशियली जब स्टार्ट होता है कार्डियक और वैसोमोटर सेंटर के रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेशन के कारण होता है। हार्ट के जितने भी कॉन्ट्रेक्शन के जो फोर्स होते हैं जो उसका रेट होता है कार्डियक आउटपुट और बीपी में इंक्रीज होता है दोस्तों, ठीक है। याद रखना हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन का फोर्स और रेट कार्डियक आउटपुट और बीपी में इंक्रीज करते हैं दोस्तों, और इसी के बाद हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के जो फोर्स होते हैं जो रेट होते हैं उनमें रिडक्शन करते हैं, ठीक है। याद रखना है जब हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के फोर्स और रेट कार्डियक आउटपुट और बीपी में इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट तो आपके पास यही आएगा। वो कहेगा सर मुझे लग रहा है कि मेरी धड़कन बढ़ रही है, मुझे लग रहा है मेरा बीपी इंक्रीज हो रहा, और इसी के बाद आप देखो हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के फोर्स और रेट में एकदम से रिडक्शन होना शुरू होता है। यानी स्टार्टिंग में आपको हमेशा याद रखना एकदम से घबराहट बढ़ेगी, यानी समझ जाइए, और फिर एकदम से रिडक्शन होना शुरू होता है और इसीलिए कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू होता है, है ना। स्टार्टिंग में तो आपको डिमांड बढ़ेगी बॉडी में लेकिन आपका हार्ट और लंग्स का कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा क्योंकि वहां तो प्रॉब्लम है। एकदम से सडन डाउन होगा ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट, एकदम से सडन डाउन होगा, इसके लिए तैयार होना चाहिए आपको, ठीक है। कई डॉक्टर्स मिसलीडिंग डायग्नोस करते हैं, वो लगता है कि यहाँ पर कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ है, तुरंत वाई और सारे प्रोटोकॉल्स रिलैक्स के दे देते हैं। क्या कर रहे हो भाई, आप तो सीधा उसको कोमा में भेजने की तैयारी कर रहे हो। माइंड कीजिएगा मेरी इस बात को, है ना। वेट कीजिएगा WE देकर, वाई न दीजिए एकाएक। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, जब इस प्रकार का इमीडिएट इफेक्ट आपको हाइपोक्सिया वाला केस में देखने को मिल रहा है इमीडिएटली वाई नहीं देना, है ना। सारे प्रोटोकॉल्स में जितने भी डॉक्टरों के बुके हैं आप देख लो इलेक्ट्रोमेपैथ में वाई डिमांडेड किया हुआ है। मैं मानता हूं वाई नेसेसरी है लेकिन इस स्थिति में नहीं है। अगर आपने वाई दिया और अचानक रिलैक्स हो गया, पेशेंट घर चला गया, अचानक कोलैप्स हो गया, आपको पता ही नहीं चला, किसका ट्रीटमेंट तो कहना फलाना इलेक्ट्रोमेपैथ डॉक्टर ने किया, लगा साले पे केस, पेशेंट परेशान कर देगा आपको। याद रखना यहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल माइंड की जरूरत है, हमें रिलैक्स करना है ना, पहले 5 से 10 दिन WE देना है, याद रख लेना, न्यूट्रल करना है हमें, है ना, और न्यूट्रल डोज ही देना है। लेकिन उसके बाद में आप कंडीशन देखिए कि हाँ बैलेंस हो गया, तब अभी 5 से 7 दिन में जो भी होना है ना सब पता लग जाता है, लेकिन WE देने से बैलेंस रहता है। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं अभी भी रिलैक्स नहीं है, देन वाई का चूज कीजिएगा दोस्तों। एकाएक वाई को देना मैं नहीं सही मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बहुत बेहतरीन इफेक्ट वहां देखने को मिलता है। इसी का लिंक होता है सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम से। जब इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन नजर आता है, इनिशियली रेस्पिरेटरी रेट
कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस के कारण इंक्रीज होता है। यहाँ पर जो कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और इसी कारण से कार्बन डाइऑक्साइड की लार्ज अमाउंट वास्ट आउट हो जाती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस यहाँ पर इंक्रीज होगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाएगा और इसी के कारण दोस्तों याद रखना एल्कीमिया हो जाता है। माइंड करना इस बात को, इसी के कारण एल्कीमिया हो जाता है दोस्तों। और इसी के बाद में आप जब इस एल्कीमिया के कंडीशन को देखोगे डायग्नोस कैसे करोगे, पेशेंट बोलता है साहब मेरा रेस्पिरेशन बहुत डीप में हो रहा है, मैं गहरी गहरी सांस ले रहा हूं और ये पीरियोडिक हो गई है, यानी बार 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 लंबी लंबी गहरी गहरी सांस पीरियोडिक रूप में मैं ले रहा हूं। फाइनली याद रखना यही कारण है जब आदमी की अंतिम अवस्था आती है ना तो वो ऐसी आती है, आप देखना पेशेंट एकदम गहरी गहरी सांस लेता और एकदम से रेस्पिरेटरी सेंटर का फेलियर के कारण ब्रीदिंग की फोर्स और ब्रीदिंग का रेट ग्रेट एक्सटेंट में बहुत बड़ी मात्रा में रिड्यूस हो जाता है। आपको अब क्या करने की जरूरत है, चेस्ट टाइल नेबुलाइज आप तुरंत कराइए, 5 मिनट के अंदर देख लीजिएगा आपका पेशेंट रिकवर हो जाएगा, तुरंत रिकवर हो जाएगा। भाई ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो S1RE डालते हो ना, यही करते हो ना, तो यहाँ पर C5P1F1W अगर स्मेल करा रहे हो तो क्या होगा, ये जो रेस्पिरेटरी रेट है ना उसको न केवल न्यूट्रल करेगा, रेस्पिरेटरी मसल्स को एक्टिवेट करके न्यूट्रल करेगा, इवन ब्रीदिंग के फोर्स और रेट को न्यूट्रल करेगा। यही तो करते हो, आपने वो कर दिया ना तो जो एकदम से रिड्यूस होने वाला वो रिड्यूस नहीं होगा, है ना, बिल्कुल रिड्यूस नहीं होगा। आप उसको 5 से 6 बार नेबुलाइज कीजिए या स्मेल कराइए, चेस्ट टाइल दिन में 3 से 4 बार 5 बार 6 बार भी करा दीजिए, जब तक पेशेंट खड़ा होकर अपने हाथ से मूवमेंट नहीं करे तब तक आप ध्यान रखिए, उसके बाद आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं, पेशेंट को भेज दीजिए। ठीक है, ये इफेक्ट नजर आता है, है ना। S10P1 इज वन ऑफ द बेस्ट एंड लीडिंग रेमेडी फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन, याद रखना दोस्तों। ओरल देने में S10P1 जितनी भी COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, इसलिए मैं कहता हूं S10P1 का चुनाव इसलिए होता है, एंटी इंफेक्शियस भी होती है और वहां पर जो पल्मोनरी लेवल पर जो पल्मोनरी हाइपोटेंशन और जो पर्टिकुलर स्टेजेस होती है उसको ठीक करना, जो म्यूकस जमा होता है उसको बाहर निकाल कर वहां से प्यूरिफिकेशन करके एल्वियोलाई की कैपेसिटी को बढ़ाना, ये मेन काम होता है और इसलिए बहुत वंडरफुल रिजल्ट वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब मुझे नजर आएगा कि हाँ भाई आपने ये चीज को समझा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका इफेक्ट क्या होता है। याद रखना दोस्तों हाइपोक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, हाइपोक्सिया जो होता है दोस्तों लॉस ऑफ एपेटाइट, नौसिया, वॉमिटिंग। अब भाई हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जब न्यूट्रिशन ही आपके बॉडी में प्रोवाइड नहीं करा पाओगे तो क्या होगा, आपको याद रखना है दोस्तों आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, नौसिया हो गया, वॉमिटिंग के साथ में हमेशा एसोसिएटेड होता है। इसलिए आप ऐसे तमाम कंडीशन में जब पेशेंट अपस्टेयर कंडीशन में चला जाता है बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील करता है, आप देखते हो एकदम माउथ उसका ड्राई होने लगता है, क्यों हो रहा भाई, क्योंकि उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन सडन डाउन हो रहा है तो सारी चीज क्या होगी, ड्राइनेस में कन्वर्ट होगी। यही कारण है जितनी भी महिलाएं होती है ना ड्राई माउथ की शिकायत सबसे ज्यादा महिलाओं को होती है, तो पानी कम पीती है, केमिकल लोचा होता है हमेशा, दूसरा उनको हमेशा जैसे सोजरिंग सिंड्रोम है ना, माउथ एकदम ड्राई हो जाता है और वहां पर थर्स्ट की फीलिंग बहुत डेंजरस होती है दोस्तों, और यही बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर के रूप में सामने आता है। और जब उस चीज को सामने देखा जाता है यहाँ पर सारे के सारे प्रोसेसेस उसके द्वारा यूनिवर्सली उसको वहां पर प्रमोट की जाती है। इसलिए याद रखना दोस्तों इफेक्ट्स ऑन किडनी, जब इस प्रकार का ड्राइनेस डेवलप हुआ तो किडनी पर क्या इफेक्ट आया, हाइपोक्सिया के कारण। माइंड कीजिएगा जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस है ना जो फिल्ट्रेशन करता है वहां से इरिथ्रोपोएटिन का सिक्रेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होता है और यही कारण है वहां पर इसके कारण एल्कलाइन यूरिन एक्सक्रीटेड होना शुरू हो जाएगी क्योंकि एल्कीमिया डेवलप हो रहा है और इसीलिए वहां पर जितनी भी आपको यूरिन आएगी प्योर एल्कलाइन होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों जनरल तो मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालता है यूरिन, उसकी तो यूरिन हल्की सी एसिडिक होना चाहिए, यहाँ तो एल्कलाइन हो गई। अब आप मुझे बताओ वही चैप्टर याद करो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कोलोसिस,
ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कितना डेंजरस है, मैंने कहा था आपको, बताया भी था वहां पर कि ये कितना डेंजरस होता है ना, ये सारी चीज यहाँ पर डेवलप होती है। इसीलिए आपको इन वास्तविकता का कोरिलेशन करना बहुत नेसेसरी है यदि आपको रिजल्ट प्रमोट कराना है, अगर नहीं कराना कोई बात नहीं। ठीक है, आप नर्वस सिस्टम की बात कर लो, ठीक है, नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों सबसे बड़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट नजर आएगा हाइपोक्सिया का। जो माइल्ड हाइपोक्सिया होता है ना, उसमें जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन के समान होते हैं, प्योरली एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स आपको नजर आते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना दोस्तों, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं ना वो डिप्रेस्ड होंगे, एपेथेटिक होंगे, सेल्फ कंट्रोल का जनरल लॉस के साथ में वहां पर ये सब कंडीशन नजर आती है दोस्तों, उसका खुद का कंट्रोल नहीं होगा अपने ऊपर। इसीलिए पर्सन क्या होगा, टॉकेटिव होगा, मतलब बस बोलता रहेगा। आप देखो बहुत सारे पेशेंट जो है आपने पूछा एक और जवाब हाँ है ना में नहीं देना, तो उसने तो ढेर सारी चीजें आप पे थोप देना है। ठीक है, क्वेरलसम होता है, बहुत गुस्से वाला होता है, इल टेम्पर्ड होता है, जरा सा इसमें बिल्कुल आप पे चढ़ बैठेगा। ठीक है, रूड हो जाता है, यानी पेशेंट को आप कितना भी समझाओ बिल्कुल ऐसा कि मेरे ईगो को खराब कर रहा है डॉक्टर, वो आप पे बिल्कुल रूडली अटैक करना शुरू करता है। ठीक है, पर्सन बहुत ज्यादा शाउटिंग करना है, सिंगिंग करता है, कभी क्राइंग रोने का करना प्रारंभ कर देता है, यानी इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जब ये इफेक्ट आता है ना, इस सारे के सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जितने भी डिसओरिएंटेड सिम्टम्स आपको नजर आएगा, डिसओरिएंटेशन के साथ यानी भटकाव के साथ आएगा, और वहां पर लॉस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी उसकी जो समझाने की समझने की जो एबिलिटी होती है उसका लॉस हो जाता है, और इसीलिए वो क्या करता है, उसका जो जजमेंट होता है ना वो जजमेंट का पावर ही लॉस हो जाता है। आपको वहां ठंडा रहना है दोस्तों, ऐसे पेशेंट से ज्यादा भजभज नहीं करना, वो हमेशा आपको उल्टा ही करेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में खराब कर देगा, क्योंकि उसका तो पहले से टेंपर लूज है और वो आपको बहुत ज्यादा लूज कर देगा। इसलिए याद रखना, मेमोरी इम्पेयर्ड हो जाती है ऐसे लोगों की, याद रखना, और यही कारण है ज्यादातर लोग जब भी आपके पास सिम्टम लेकर आएंगे इस तरह के, वो यही कहेंगे कि हमारी मेमोरी का लॉस हो रहा है। आपका सीधा डायग्नोस होना चाहिए भाई कि ये इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है। अब मुझे बताओ, जब ये आप डेली प्रैक्टिस में देखते हो, मुझे बताओ, मुझे बढ़ा के बता दो न्यूट्रल डोज से, है ना, आपको हाई डोज में जाना पड़ेगा। और यही कारण है दोस्तों, पेशेंट बोलता है मुझे वीकनेस हो रही है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेरी बॉडी में मसल्स का, बॉडी के ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, मसल्स में बहुत ज्यादा थकान होती है, तो फटीग का साइन बोलता है पेशेंट कि यार मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। ये बहुत कॉमन है हाइपोक्सिया में, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन है उसका, ऑक्सीजन का लेवल ही नहीं मिल रहा उसको, और इसीलिए ये सारे कैरेक्टर आपको वहां पर नजर आएंगे, और इसीलिए आपका यहाँ पर रिजल्ट होगा S1F1 1000। मैं बार बार आपको कहता हूं कि ये जो हाइपोटेंसी की मेडिसिन है, ये मेडिसिन आपको एक या दो केस में हैंडल करना है, देना है आपको, इस कारण से मैं बोलता हूँ। ठीक है, याद रखना, इससे क्या हुआ, S1F1 1000 आपने दे दिया, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया और ये होम्योस्टेसिस के बैलेंस के लिए मेंटेन करने लगा, काम करने लगा, बाकी का काम अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप वहां पर न्यूट्रिशन और एंजाइम प्रोवाइड करा ही रहे आपके मेडिसिन से। इसीलिए यदि यहाँ पर हाइपोक्सिया एक्यूट होता है या सीवियर होता है, सडन लॉस ऑफ जो अनकॉन्सियसनेस, मतलब वहां पर कॉन्शियसनेस का लॉस हो जाता है, इसलिए अनकॉन्शियसनेस होता है दोस्तों, तो वहां पर जब ये डेवलप होगा, यदि आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं किया, कोमा उत्पन्न हो जाएगा और इसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाएगी। याद रख लेना इस बात को, ये नॉर्मल होता है ना, और इसमें छोटे मोटे डॉक्टर घबरा के पेशेंट को भगा देते हैं कि आप वहां चले वहां चले। अरे आप डायरेक्टली जब इस पेशेंट को कोमा में जा रहा ना, S1 RE स्मेल करा दीजिए, ठीक है, 100 ग्लोबुल्स आप S1 को वहां पर डिजॉल्व करा दीजिए, और डिजॉल्व करा के आप वहां पर पेशेंट को कंटिन्यू दे दीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 100% रिजल्ट वहां पर ओके मिलता है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने रिसर्च की बात करी, बिच्छू ने काटा, आपने कहा भाई स्लास और बी लगा दो, S1 को दे दो, मैंने एक मेडिसिन और प्रूफ कर दी है, दसरा सेमिनार में ओपन करूंगा मैं, एक मेडिसिन और प्रूफ कर दिया, इनकी भी जरूरत नहीं है,
केवल स्लास भी एक्सटर्नल लगा दो, लेकिन 10-10 मिनट के अंतर पर हमारी वो मेडिसिन को 30 पोटेंसी में आप केवल 2-2 मिनट ऑन टंग दे दो, 3 बार देना है, खत्म, भेज दो घर उसको, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। मैंने 10 out of 7 को विद इन 1 days और 3 को विद इन 10 days, यानी टोटल 100 out of 100 दो दिन के अंदर पूरा बिच्छू का जो असर है, चाहे वो काला बिच्छू, हरा बिच्छू, लाल बिच्छू, सबसे जहरीला बिच्छू जो बड़ा होता है, पान बिच्छू बोलते हैं, उस बिच्छू के जहर को भी मैंने इमीडिएट 2 दिन के अंदर सबसाइड कर दिया, केवल उस 10-10 बूंद के 3 डोज, मतलब उस मेडिसिन के 30 पोटेंसी का 2-2 बूंद 10-10 मिनट के अंतर पर 3 डोज दिया है, खत्म का। अभी सांप काटे पे 2 मेडिसिन का रिजल्ट लिया है। पीएच में और विदाउट एनी मॉडर्न साइंस हमने रिकवर किया, केवल हमने उसको हल्का सा क्रॉस करके वहां से सारा आपका जो सिरिंज आता है उससे उसका जहर निकाला और उसको थोड़ा सा सरवाइव किया और हमारी मेडिसिन को प्रोवाइड किया, केवल एज की 2 मेडिसिन, और उन्हीं 2 मेडिसिन के बल पर हमने सांप काटे वाले पेशेंट को रिकवर किया है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बहुत गरीब था, मना कर गया सर मर जाए तो मर जाए पर हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, ठीक है, मेरे गाँव का है और मैंने उसको प्रोवाइड किया। सेमिनार में लाऊंगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कराऊंगा उस व्यक्ति का, उसने प्रॉमिस किया है मेरे से, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, ये तो सारे इमीडिएट इफेक्ट हुए जो तुरंत आ रहे हैं, डिलेड इफेक्ट भी होते हैं दोस्तों, और डिलेड इफेक्ट हाइपोक्सिया के बहुत डेंजरस होते हैं। डिलेड इफेक्ट्स जब भी अपीयर होते हैं, हाइपोक्सिया की जो एक्सपोजर की जो सीवियरिटी होती है उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना, उसकी जितनी भी सीवियरिटी होगी, उसकी जितनी भी लेंथ होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी पर्सन जो होता है हाईली इरिटेबल हो जाता है, बहुत इरिटेबल हो जाता है, और यही कारण है माउंटेन सिकनेस के जितने भी सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे डेवलप होता है, याद रखना। माउंटेन सिकनेस यानी ऊपर जितने गया, नॉर्मल परिधि से ऊपर जैसे पहाड़ पे गया है ना, नौसिया, वॉमिटिंग, डिप्रेशन, वीकनेस, फटीग, सारे के सारे सिम्टम डिलेट इफेक्ट्स में वहां पर डेवलप होते हैं, ठीक है, याद रखना दोस्तों। ये जब पेशेंट को आपने घर भेज दिया गया, भाई नॉर्मल है और अचानक ये सिम्टम आ रहे हैं, आप क्या डायग्नोस करोगे? आपको पहले देखना पड़ेगा कि इसको इमीडिएट सिम्टम क्या आए थे और अभी डिलेट सिम्टम क्यों आ रहे, आपको दोनों का कोरिलेट करना पड़ेगा और उसके बाद ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और पेशेंट जैसा झूठा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि पेशेंट को आज 4 दिन पहले क्या हुआ नहीं बता पाएगा, डायग्नोस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास तो ऐसी कोई इमीडिएट मेडिसिन नहीं है कि डेकाडॉन डेक्सामेथासोन लगा दो पेशेंट को सरवाइव कर दो, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रोटोकॉल को सेट करने के पहले 2 बार सोचिएगा 2 मिनट के लिए, उसके बाद में दिमाग को घोड़े दिमाग के दौड़ाइएगा, पूरे प्रोटोकॉल को बनाने के पहले सारी चीज इन्वॉल्व करिएगा और उसके बाद अपना डायग्नोसिस कंफर्म कीजिएगा, ठीक है, याद रखना। दूसरी बात, जब आप ऑक्सीजन थेरेपी करते हो तो ट्रीटमेंट के दौरान ये की जाती है ना, मॉडर्न साइंस इसको इन्वॉल्व करता है, आप कैसे करोगे भाई, है ना, यही चीज समझने की कोशिश की है, इसलिए इतना पता है। हाइपोक्सिया का जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ऑक्सीजन थेरेपी होता है, ठीक है। अब मॉडर्न साइंस में जो लोग नर्सिंग होम जा रहे हैं उनको सब पता है कि ऑक्सीजन के साथ अफेक्टेड पर्सन के ट्रीटमेंट में बहुत ईमानदारी से प्योर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन और अन्य गैसेस के साथ कंबाइंड होकर एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी 2 मेथड के द्वारा कैरिड आउट होता है, पेशेंट के हेड को एक टेंट में रख देते हैं, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन होता है और वहां पर वो आसानी से लेटा रहता है और ऑक्सीजन लेता रहता है। पेशेंट को दूसरा तरीका होता है, पेशेंट को अलाइंग के द्वारा, ताकि वो ऑक्सीजन को ब्रीद करके या तो एक मास्क के माध्यम से या फिर एक स्पेशली इंट्रानेजल ट्यूब से, आप देखते हो नाक में लगा दी जाती है, ऑक्सीजन लिया जाता है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए या नहीं दी जाए, या तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या फिर अंडर हाई प्रेशर पर, हाइपर कार्बोनिक, ठीक है, हाइपर बेसिक ऑक्सीजन वहां पर उसको दी जाती है दोस्तों, ठीक है, याद रखना दोस्तों। जब आप टेबल प्रैक्टिस में इन चीजों के बिहेवियर को तय करते हैं तो नॉर्मल एटमोस्फेयर के साथ में 1 एटमोस्फेयर बराबर 760 mmHg पर प्योर ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मैंने बताया था दोस्तों, वो पेशेंट में लंबे समय तक वेल टॉलरेटेड होता है, लंबे समय तक रहता है, यद्यपि 8 घंटे या ज्यादा समय में लंग टिश्यू में फ्लूइड डिफ्यूजन और एडिमा शो करता है, माइंड कीजिएगा इस बात को।
कि अगर आपने ऑक्सीजन थेरेपी लंबे समय तक करी तो पर्टिकुलरली उसको फ्लूड में इफ्यूजन हो जाता है ना, उडीमा शो होता है। ये मॉडर्न साइंस का सबसे डेंजरस है, आपको बचाने के लिए ये उडीमा और पर्टिकुलर फ्लूड इफ्यूजन को भी डेवलप कर देते हैं, ठीक है। अन्य जितने भी टिश्यूज है ज्यादातर अफेक्ट नहीं होते हैं, इसीलिए HbO2 बफर सिस्टम के रूप में काम करता है। हमने पढ़ा है कि ब्लड बफर सिस्टम के रूप में काम कर रहा है और ऑक्सीजन उससे कनेक्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स होते हैं 6 से 8 घंटा ऑक्सीजन दिया, फिर उसको बाहर निकाल दिया कुछ समय के लिए, फिर उसको ऑक्सीजन दिया बाहर निकाल दिया, ये प्रोसेस करते रहते हैं। और यही कारण है अगर 1-2 घंटे का गैप कर दिया तो फिर प्लूरल इफ्यूजन और एडिमा नहीं होता दोस्तों। अगर वो कंटिन्यू ऑक्सीजन देते हैं और पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसमें प्लूरल इफ्यूजन और एडिमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक साइड इफेक्ट के रूप में भी आपको देखने को मिल रहा है। जब आप हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइपरबैसिक ऑक्सीजन देते हो तो हाइपरबोरिक ऑक्सीजन देते हो दोस्तों, तो याद रखना ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन स्पेशल उन केसेस में जब पेशेंट सबसाइड नहीं कर रहा, जब पेशेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, पेशेंट आपसे टच में नहीं, अनकॉन्शियस है, क्या करोगे, ठीक है। जिनका एटमॉस्फेयर प्रेशर 2 या 2 से ज्यादा होता है वहां पर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के साथ में वहां पर 2 से 3 एटमॉस्फेरिक पेशेंट के द्वारा लगभग याद रखना 5 घंटे तक टॉलरेट पेशेंट को दिया जाता है। इस पीरियड के दौरान ऑक्सीजन का डिसॉल्व फॉर्म आरटीएल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जब आप दे रहे हो तो आरटीएल ब्लड में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि एचबी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वहां पर बहुत लिमिटेड होती है ना, जितना ऑक्सीजन मिलना था लिमिटेड हो गई, क्रॉस हो गया उसके ऊपर तो वहां कलेक्ट हो जाएगा। और इस लेवल पर जब वहां पर हाई ऑक्सीजन हो रहा है टिश्यू ऑक्सीजन टेंशन भी लगभग 200 mmHg तक इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन के हाई जितने वहां पर पार्शियल प्रेशर को टिश्यू टॉलरेट कर लेता है बिना बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है, किंतु जब ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना आपकी बॉडी में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी डेवलप करेगा जब प्योर ऑक्सीजन लंबे पीरियड तक एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी और ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के रूप में डेवलप होगा जो बहुत डेंजरस होगा, वो क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन थेरेपी की इफिशियंसी को देखोगे हाइपोक्सिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, तो याद रखना आपके अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल में भी मैं इम्परफेक्ट, क्यों, क्योंकि थ्योरी कहती है इतना हेल्दी आदमी उसको इतना ऑक्सीजन, ये थोड़ा अनहेल्दी उसको इतना ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल अनहेल्दी है तो इसको इतना ऑक्सीजन, ये प्रैक्टिस में आएगा, कोई लिखी हुई किताब या मैंने बता दिया उसके आधार पर नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन थेरेपी हाइपोक्सिया के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, किंतु सभी प्रकार के हाइपोक्सिया में इक्वली इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं ऑक्सीजन थेरेपी की वॉल्यूम हाइपोक्सिया के टाइप्स पर डिपेंड करती है, इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी के वहां पर डिसाइडिंग के पहले हाइपोक्सिया के डिफरेंट टाइप के फिजियोलॉजिकल बेसिस जो मैंने बताया आपको उसको रिकॉल कर लेना अपने माइंड में, हालांकि आप में से कोई ऑक्सीजन नहीं देगा लेकिन आपको और मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल अभी जो मैं बताऊंगा वो यहां से निर्धारित होता है। हाइपोक्सिया ऑक्सीजन थेरेपी 100% यूजफुल होती है हाइपोक्सिक कंडीशन में, ठीक है। इसीलिए दोस्तों याद रखने की जरूरत है जब एक नर्वाइन आप संख्या में देखोगे ऑक्सीजन थेरेपी लगभग 70% ही इफेक्टिव है दोस्तों, याद रखना एनीमिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, एनीमिक कंडीशन में 70% इफेक्टिव है। जब स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन थेरेपी की जो इफेक्टिवनेस है और डाउन होकर 50% से लेस हो जाती है। जितने भी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन थेरेपी होती है दोस्तों सभी में बहुत ही ज्यादा यूजफुल नहीं होती, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राय यदि ऑक्सीजन डिलीवर्ड होता है तो सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, ठीक है। इसलिए हमारी जो थेरेपी है हम जो ऑक्सीजन के लिए दे रहे उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, हम 2 चीज करते हैं, ठीक है, और एक तीसरा सपोर्ट करते हैं, चेस्ट स्टाइल का सपोर्ट देते हैं, तो जो ऑक्सीजन के लिए जो मसल्स की क्रेविंग कैपेसिटी होती है ना उसको आप बढ़ाते घटाते हो, उससे क्या होता है जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन है म्यूकस जमा है बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात नेबुलाइज करते हो तो नेबुलाइज करने के कई तरीके हैं, है ना, हमको अगर सेल और टिश्यू में भेजना है तो हम P1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, सेल और टिश्यू में भेजना है P1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन लंग्स से जुड़ा हुआ है और वहां पर हमको भेजना है
देन P1 का इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए हमने C5 P1 F1 को यूज किया, लेकिन W को बहुत नेगेटिव यूज किया, देख लो आप, है ना, आप ब्रेन की तरफ W को भेज दिए, लेकिन C5 P1 F1 को आपने लंग्स की तरफ भेज दिया, और ये पूरा नर्वस सिस्टम के माध्यम से बैलेंस कर दिया कि नहीं, इसको लगातार हम नेबुलाइज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना है और नर्वाइन वीकनेस दूर करना है। आप देखो तुरंत वहां पर मेंटेन कर रहे हो, इसलिए ये बारीकियां आपको वहां पर यूज होते हुए नजर आ रही है और आपका बैलेंस वहां पर प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन थेरेपी का इंपॉर्टेंट है। आप न्यूट्रिशन के लेवल पर देखो, ठीक है, कई लोग बोलते हैं साहब P2 जो है सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो ऑक्सीजन कैरी कर, भाई P2 क्या है, P1 और C2 है ना, P1 और C2 के कुछ प्लांट से मिलने से बना है। अब P1 C2 है तो म्यूकस मेम्ब्रेन को C2 बढ़ाएगा या घटाएगा, आप P2 दे रहे हो, वो भी पॉजिटिव में दे रहे हो, तो आप दिमाग लगाओ, P1 C2 को दे रहे हो तो वहां पर और ज्यादा म्यूकस बढ़ाएगा, सीरस फ्लूइड को बढ़ाएगा, है ना। तो आप अगर केवल P1 दे रहे हो तो P1 क्या करेगा, P1 केवल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, ब्लड वेसल्स की तरफ जितनी भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसको स्टिमुलेट करता है। तो आप जब यहाँ पर C5 P1 F1 W का यूज कर रहे हो ना, ये बहुत बेटर इंपैक्ट है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, न्यूमोनिया हो गया, फ्लूइड एडिमा हो गया। मेरा मानना है, मेरे एक पागल दोस्त राधेश्याम भाई ने, मिलाऊंगा कसराव सेमिनार में, इस बार स्पेशल बुला रहा हूँ उसको मैं कि मिलो आप आके यहाँ पर सबसे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आपकी बात मैं सर आंखों पर लेता हूं, लेकिन मैंने P1 P2 P3 P4 और WE इनको सबको इक्वल में लाया, D4 में बनाया और स्मेल कराया। तो जितने प्लूरल इफ्यूजन वाले, उडीमा वाले, लंग्स के क्रॉनिक से क्रॉनिक एम्फाइसीमा वाले केसेस थे, उनमें बहुत इंप्रूवमेंट दिखा। खासतौर से बच्चों का न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस का केस, ब्रोंकाइटिस का केस, COPD अस्थमा का केसेस में मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली है सर। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने भी यूज करना शुरू किया, आओ मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने भी यूज करना शुरू किया। तो जहां मैं थकता हूँ फिर वहां यूज करता हूँ। शुरुआत में तो मैं हमेशा मेरा प्रोटोकॉल तय करता हूँ, लेकिन जब थक जाता हूँ तब उसके प्रोटोकॉल को जरूर, क्योंकि वो आपकी और मेरी वोक्यूबुलरी में आते ही नहीं है, बहुत अजीबो गरीब प्रोटोकॉल्स है, लेकिन दोस्तों उसके रिजल्ट जब देखते हैं ना, तब समझ में आता है यार अभी एज में हमने कहीं भी नहीं सीखा, ठीक है, तब समझ में आता है, तब हमको लगता है यार हमारी कमी है यार, उसकी नहीं, ठीक है। याद रखिए क्यों, क्योंकि यार रिजल्ट से मतलब है। आज मॉडर्न साइंस जो रिजल्ट नहीं ले पा रहा आपका, वो P1 P2 P3 P4 जो है 10 मिनट में रिजल्ट दे रहा है। अगर 10 मिनट में दे रहा दोस्तों, तो मेरा मानना है कि मॉडर्न साइंस भी कहता है कि आपकी किताबों में जो लिखा है वो उतना काम करेगा जितना लिखा है, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल करोगे वो उसमें ये मिलेगा आपको कि नहीं मैंने बहुत सारा काम, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, ये याद रखना। चलिए आज हमारा हाइपोक्सिया ही कंप्लीट हुआ, हम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी देख लेते हैं क्योंकि इसके साथ मिला हुआ लिंक है, ठीक है। पॉइजनिंग, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग क्या होता है, ठीक है, टिश्यू में ऑक्सीजन कंटेंट का इंक्रीज हो जाना ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को दर्शाता है, ठीक है। अगर वो एक क्रिटिकल लेवल तक चला जाता है तो वो हम ऑक्सीजन पॉइजनिंग के रूप में उसको देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को नॉर्मल करना है जनरल टॉनिक D5 न्यूट्रल, जनरल टॉनिक D5 S5 P1 C13B, आप सबके 5-5 ड्रॉप उसमें डालो, 30 ml में मिक्स करो और दे दो, और आप 24 घंटे में देख लेना, आप उसको दिन में हर 2 घंटे पे दो, मैक्सिमम 6 टाइम, आप दूसरे दिन देख लेना ऑक्सीजन, पहले दिन ही शाम तक उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर घटाना हो तो याद रखना इस बात को, जब घटाना हो तो वहां W का ही इस्तेमाल करना, ठीक है, वहां वाई मत दे देना, ठीक है, मैंने बताया क्यों, है ना। याद रखना जो ऑक्सीजन थेरेपी के कॉजेस के अनुसार देखते हो, तो प्योर ऑक्सीजन के साथ 2-3 एटमॉस्फेरिक का हाई प्रेशर के साथ हाइपरबैरिक ऑक्सीजन वहां पर दी जाती है, इसके कारण ब्रीदिंग के द्वारा काज होता है, और ये वहां पर जब दी जाती है और वो एबनॉर्मल रूप में ज्यादा हो जाती है ना, एकदम पेशेंट वहां पर ब्रीदिंग को कॉज करता है, यही ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कहलाती है दोस्तों। और इस कंडीशन में ऑक्सीजन का एक एक्सेस अमाउंट प्लाज्मा में ट्रांसपोर्टेड होता है, याद रखना दोस्तों, इस कंडीशन से एक एक्सेस अमाउंट प्लाज्मा में ट्रांसपोर्टेड होता है, और इसीलिए प्लाज्मा में वो डिजॉल्व हो जाता है, क्यों, क्योंकि HB की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है बहुत लिमिटेड होती है, इसीलिए अगर आप वहां पर 1 ml पे देखोगे ना 1.34 ml पर ग्राम,
ठीक है, मैंने बताया 1.34 ml पर ग्राम के लगभग होती है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का इफेक्ट आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, लंग टिश्यू पहले ट्रेकियोब्रेंकियल इरिटेशन और पल्मोनरी एडिमा के साथ अफेक्टेड होता है। माइंड कीजिएगा इस बात को, लंग टिश्यू पहले वहां पर ट्रेकियोब्रेंकियल इरिटेशन, यानी आपके जो ट्रेकिया है और जो ब्रोंकियल है उसके इरिटेशन को कॉज करेगा, और उसके बाद में पल्मोनरी एडिमा के साथ अफेक्ट पैदा करेगा, है ना, और यही होता है। इसीलिए मेटाबॉलिक रेट जो होती है बॉडी के सभी टिश्यू में क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ये कारण है टिश्यू एक्सेसिव हीट के द्वारा बर्नआउट होगा। याद रखना दोस्तों, मेटाबॉलिक रेट बॉडी के सभी टिश्यू में इंक्रीज हो जाएगी, जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है, क्या होगा, बहुत तेजी के साथ में बर्निंग बढ़ जाएगी, है ना, और यही कारण है हीट साइटोक्रोम सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी आपका जो सेल का सिस्टम है बना हुआ वो डिस्ट्रॉय हो गया, और इसीलिए टिश्यू को डैमेज कर, जब सेल का ये सिस्टम डैमेज होगा टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है, और यही कारण है इसको बोलते हैं आप डीजनरेशन। ठीक है, जब ब्रेन अफेक्टेड हो गया तो क्या होगा, पहले हाइपर इरिटेबिलिटी उत्पन्न होती है, चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, आपको व्याकुलता, डिजीनेस, बिल्कुल आप खतरनाक तरीके से आपके आपको देखते हो, उसके बाद में मस्कुलर ट्विचिंग उत्पन्न होता है। याद रख लेना, मस्कुलर ट्विचिंग आपको एकदम से ऐसा लगता है जैसे मेरे कुछ चल रहा है, इसके बाद कान में रिंगिंग ईयर सुनाई देता है, डिजीनेस यहाँ पर आपको सुनाई देता है, ये सारी फीलिंग साइमल्टेनियसली यहाँ पर डेवलप होती है, और अंत में फाइनली टॉक्सिसिटी के परिणाम स्वरूप दोस्तों कन्वर्शन, कोमा और डेथ साइमल्टेनियसली देखने को मिलती है। दोस्तों बहुत सिंपल से सिम्टम्स हैं लेकिन बहुत डेंजरस हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के। ठीक है, आप क्या करोगे यदि किसी को टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, आप क्या करोगे, है ना, आपको सबसे पहले डिटॉक्सिसिटी करना है। अब डिटॉक्सिसिटी कहाँ होती है आपको सबको मालूम है, है ना, डिटॉक्सिसिटी कहाँ होती है, लीवर के लेवल, आपको लीवर का प्रोटोकॉल चलाना है, सबसे पहले डिटॉक्सिसिटी के लेवल को मेंटेन करना है आपको। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या करना है ना, यहां पर आपने करा था जनरल टॉनिक D5, S5, C13, P1B, यही किया था ना आपने, केवल वाई के जगह, मतलब बी के जगह वाई कर दिया। ठीक है, आप देखिएगा वहां पर जो ऑक्सीजन का जो कैरिंग कैपेसिटी होता है ना, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तुरंत रिलैक्स हो जाएगा और आपको रिजल्ट वहां पर दिखा देगा। याद रखना, यहां पर नेबुलाइजिंग नहीं करना, नेबुलाइज बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, याद रख लेना, नेबुलाइज बिल्कुल नहीं करना। 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पर तुरंत आप वहां पर REY का अप्लाई कराना शुरू कर दो, हो गया काम। सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन प्लस RE और Y, अपन वहां RE और W डालते हैं, यहाँ पर आप सॉरी RE को हटाइए, W और Y, आप सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन में W और Y को अप्लाई करा दीजिए, आपका पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, विद इन नॉर्मल। मैंने 2 से 3 केसेस पे बहुत ही इमेजिनरी रिजल्ट दिया, मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स हक्के बक्के हो गए, बोले यार ये क्या करा आपने, कैसे करा, है ना, समझाना मुश्किल है क्योंकि हमारी मेडिसिन कैसे काम कर रही है हमें पता है ना, ये फिजियोलॉजी के बिहार। अगर आप हाइपरकैपनिया को देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट का इंक्रीज हो जाना हाइपरकैपनिया कहलाता है, बहुत जगह आपने देखा होगा, है ना, आजकल तो नॉर्मल यही हो रहा है ना। जब हाइपरकैपनिया के कॉजेस देखोगे, हाइपरकैपनिया ऐसी कंडीशन में उत्पन्न होता है जिसमें जितना भी रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसका ब्लॉकेज हो रहा है आपका रेस्पिरेटरी। मैंने कहा ना COPD में क्या हो रहा, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं जा रहा, यानी क्या हुआ, हाइपरकैपनिया हो गया। ठीक है, जब ब्लॉकेज होगा एस्पेक्सिया के केसेस में देख लो आप, ठीक है, एस्पेक्सिया के केसेस में। इसके अलावा ऐसी एयर के ब्रीदिंग करने से जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट होता है उनमें भी हाइपरकैपनिया डेवलप हो जाता है। भाई सफोकेशन हो रहा है, आपने दरवाजा बंद कर रखा है, आपको सफोकेशन हो रहा है, आपको ये नजर आता है। दोस्तों याद रखना, जब ये इफेक्ट देखते हो तो हाइपरकैपनिया के इफेक्ट पूरी बॉडी में होंगे, सबसे पहले रेस्पिरेशन पर होता है। ठीक है, याद रखना, हाइपरकैपनिया के दौरान जब रेस्पिरेटरी सेंटर एक्सेसिवली स्टिमुलेटेड होता है, बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड हो गया, तो इसके कारण आप देखो डिस्निया हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आप जोर जोर से सांस लेने लगते हो। ठीक है, ये कंडीशन नॉर्मल होता है, इस कंडीशन में कभी कभी पेशेंट, ठीक है, अगर पर्टिकुलर मान लो को इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, बहुत ज्यादा वीक है,
है ना, वो मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा था, दरवाजा खोल नहीं पाया, वही रहेगा। कई बार आप देखते हो पेशेंट हाइपर कैपनिया के लेवल पर अंदर सोए तो सोए रह जाते हैं। याद रखना कई पेशेंट जब आपको ऐसे नजर आएंगे आपको उनको कहना है कि आपकी खिड़की दरवाजे खुला करके सोइए, उनमें वो कंडीशन डेवलप नहीं होगी। जब ब्लड पर इफेक्ट आएगा, ब्लड का पीएच क्या होगा, मैंने कहा ना रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, याद रखना इस बात को। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ब्लड में रहेगा बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, इसलिए कहा जाता है फ्रिज की चीजें नहीं खाओ, मीठा नहीं खाओ, ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड जो एसिड बना रहे हैं वो एसिड कंटेंट आप डेवलप ना करो। आप जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाओगे आपका एसिडिटी बढ़ जाएगा दोस्तों, इसलिए मना करा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट देखिए, अब जब यहाँ हो रहा है तो आप याद रखिए हाइपरकैपनिया टेकीकार्डिया इंक्रीज ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होता है, हमेशा ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज होता है। यही कारण है पेरिफेरल वैसोडायलेटेशन के कारण स्किन में फ्लरिंग होती है, फ्लशिंग कंडीशन डेवलप होती है दोस्तों, और यही कारण है पेरिफेरल आपके परिधि में जो वैसोडायलेटेशन होता है लीकेज हो जाता है। कई बार आप देखते हो स्किन में रेडनेस चकते चकते पड़ जाते हैं ना, स्किन की फ्लशिंग आपको नजर आती है, इसी कारण से चमक आ जाएगी स्किन पर, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर ब्लड का लीकेज हो गया, फ्लूड का लीकेज हो गया कैपिलरीज, क्योंकि वैसोडायलेटेशन हो रहा है, याद रखना इस बात को, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट देखो दोस्तों, याद रखना हाइपरकैपनिया के दौरान पूरे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता हुआ नजर आता है, और इसी के परिणाम स्वरूप आपके पास जो पेशेंट आता है तो बोलता है साहब मेरे हेडेक हो रहा है, सर मुझे तो दिमाग चकरा रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लेजी होता है पेशेंट, चलने में भी नेट आता है उसको। इन सिम्टम के बाद मसल्स के लेवल पर बहुत रिजिडिटी होती है, हल्के हल्के ट्रेमर्स आने, पेशेंट बोलता है साहब मैं तो कांप रहा हूँ, ठीक है, जनरलाइज्ड कन्वर्शन बोलते हैं इसको, पूरी बॉडी में जनरलाइज्ड फंक्शन जो होते हैं अफेक्ट हो जाते हैं, जनरल कन्वर्शन के रूप में सामने आते हैं, और इसीलिए दोस्तों पेशेंट बोलता है मुझे गिडीनेस लग रहा है, लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस उत्पन्न हो रहा है, मैं तो बेहोश। कई बार देखो पेशेंट आपके सामने आया, उसको किसी चीज का रोने गाने का कोई मतलब, कोई मर गया मां गए, आप देखो वो गिडीनेस करके गिर जाता है, कॉन्सियसनेस उसमें लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस हो जाता है, यानी अनकॉन्सियस हो जाता है, ठीक है, और यही करेक्टर आपको वहां पर देखने को मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोटोकॉल तय करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आज का लास्ट हाइपोकैपनिया, हाइपोकैपनिया क्योंकि ये दोनों रिलेशन करते हैं इसलिए मैं बता दूं, कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट डिक्रीज हो गया है ही नहीं, बहुत कम हो गया। आपको पता है ब्लड की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है बजाय ऑक्सीजन के, अब ज्यादा होने के बावजूद अगर कम हो रहा है इसका मतलब आप समझ लो क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए जब हाइपोकैपनिया डेवलप होता है तो याद रखना हाइपोकैपनिया हमेशा हाइपोवेंटिलेशन के साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है, यानी लंग्स में वेंटिलेशन कम हो रहा है ना, इसके अलावा प्रोलॉन्ग हाइपरवेंटिलेशन के बाद भी उत्पन्न होता है, यानी लंबे समय तक आप सांस ले रहे हो उसके तुरंत बाद भी उत्पन्न होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर आपने क्या करा, हाइपरवेंटिलेशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया, इसलिए कुछ समय के लिए वहां पर हाइपोकैपनिया डेवलप हो जाता है। इसलिए जब हाइपोकैपनिया डेवलप होता है रेस्पिरेशन पर इफेक्ट देखिए, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा, डिप्रेस हो रहा है, और इसी के कारण रेस्पिरेशन का फोर्स और उसकी जो रेट होती है वो डिक्रीज हो रही है ना भाई। रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें दो ही चीज होते हैं, फोर्स और रेट, अगर ये दोनों बैलेंस है तो सब बैलेंस है, अगर ये दोनों अनबैलेंस है हाइपर या हाइपो हुए तो डिसीज भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, या हाइपर कैपनिया हो रहा है वो हाइपोकैपनिया हो रहा है, दोनों या हाइपोकैपनिया है तो आपको याद रखना है रेट ऑफ फोर्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसलिए जब आप यहाँ पर पर्टिकुलरली दोस्तों ब्लड पर इफेक्ट देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा दोस्तों कि जब ब्लड का पीएच इंक्रीज हो रहा है यानी एसिडिक हो रहा है, इसके कारण रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस वहां पर डेवलप हो जाएगा। याद रखना ब्लड का पीएच अगर इंक्रीज हुआ तो रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, भाई पीएच इंक्रीज हो रहा मतलब कहां जा रहा है, 7.2 से ऊपर, तो ये तो एसिडिक नहीं है, एल्कोलोसिस हो गया, इसीलिए यहां पर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस डेवलप होता है, कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। और इसी के कारण दोस्तों जब ऐसी कंडीशन होती है ना, आप देखो कन्वर्शन आता है तो मरोड़ उठती टिटेनी बोलते हैं उसको, कैल्शियम की, ठीक है, याद रखना जब कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है इसी के कारण टिटेनी होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी और कार्पोपेडल स्पाज्म के द्वारा कैरेक्टराइज होता है, पूरे पांव में कार्पोपेडल स्पाज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है, और मसल्स की जो नर्व के माध्यम से जो हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी उसके कारण टिटेनी होता है,
है ना, इसके लिए डिहाइड्रेशन, मिनरल्स की जो अप एंड डाउन कंडीशंस होती है वो भी जिम्मेदार साइमल्टेनियसली होती है। इसलिए हाइपोकैप्निया में आपको ये चीज याद रखना है, एल्कुलोसिस हुआ, हल्का एसिडिक कंटेंट दो, नॉर्मल हो जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी बैटर इफेक्ट नजर आता है दोस्तों। मेंटल कंफ्यूजन, सबसे पहले मेंटल कंफ्यूजन, डिजीनेस, मस्कुलर ट्विचिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपोकैलेमिया कॉमन फीचर के रूप में हाइपोकैप्निया में देखने को मिलता है। और बहुत डेंजरस कंडीशन होती है दोस्तों, जो प्रैक्टिकली आप लोगों ने सबने देखी हुई है, बस आपको सेट करना है वहां पर और इस कंडीशन को मोटलाइज करना है। याद रखना दोस्तों, सारे के सारे कंडीशन आपके हाथ में, हाइपोकैप्निया में आप सीधा पॉजिटिव मेडिसिन दे दो, है ना, प्योर पॉजिटिव D4 में दे दो, यही मेडिसिन D4 में दे दो, 10 मिनट में नॉर्मल कंडीशन में ला देगा। लेकिन जब हाइपोकैप्निया हो रहा है तो यहाँ पर बी का प्रोटोकॉल, आरी का प्रोटोकॉल बहुत नेसेसरी है, ठीक है। याद रखना S1 आरी को तुरंत एक गिलास पानी में घोल कर 10 ग्लोबल्स या 10-10 ड्रॉप दोनों डालकर पिला दो, है ना, आप देखना 10 मिनट के अंदर पेशेंट रिकवरी के स्टेज पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बी के लेवल पर दो, क्योंकि ब्लड में एल्कोलोसिस हो रहा है ना, आप बी के लेवल को दो, वो भी न्यूट्रल डोज में दो, बैलेंस कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों आज यही रखते हैं, आप में से कोई किसी को क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आप में से किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, तो फिर मुझे जाना है थोड़ा। जी कोरी सर, कोरी सर, कोरी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर आपने जो बिजनेस करियर के लिए जो प्रोटोकॉल आपने हमें बताया था ना, पहले आपने डाला था जब पार्ट वन में, तब मैं पार्ट टू में गया, बिजनेस करियर के लिए इतना अमेजिंग रिजल्ट मिला सर, मैं आपको बता नहीं सकता। पिछले चार महीने से मॉडल था, इसके पिछले साल भी ले रहा है, हमें दवा बंद नहीं करवाई, मतलब क्रिएटिन और बूटी के लेवल में तो अपने आया है और बहुत ज्यादा अपने आया है। आपकी आवाज की क्लियर नहीं आ रही है सर। उसको हमने एक दिया रीनल फेलियर के लेवल पर, उसका यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था उसका जी। उसमें इतना शानदार रिजल्ट मिला सर, इतना गजब मैं बता नहीं सकता आपको। वो मॉडर्न टाइम जो चार महीने हम नहीं कर पाए, वो हमने 15-25 दिन में के अंदर वो हमने किया सर, वो आपकी प्रोटोकॉल की, उसी प्रोटोकॉल की वजह से गजब का रिजल्ट है सर, उसका जबरदस्त रिजल्ट है बिल्कुल। आपका प्रोटोकॉल में डालूंगा, 3 महीना हो जाने दो, जब क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल जब लेवल हो जाएगा तो मैं पूरा प्रोटोकॉल, पूरे ट्रीटमेंट डालूंगा मैं ग्रुप के अंदर जी। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत जबरदस्त, थैंक यू। नहीं सर, वो बधाई मेरे लिए, वो बधाई आपके लिए, आप करवा रहे हैं सर ये सब कुछ। अरे सर ऐसा नहीं, कर तो आप रहे हो सर जी। जी ज्ञानी सर, ज्ञानी सर, सुरेश ज्ञानी सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं थोड़ा, एक अपना भाई है गुड़गांव में, उसको इंजेक्शन लगने के बाद में बड़ी वीकनेस रहती है, जो कोरोना के इंजेक्शन लगे ना वो फैक्ट्री में, तो उसके पिंडली बहुत दर्द रहता है, वीकनेस रहती है और बीमारी ज्यादा आने लगी उसको। सर कुछ नहीं करो, मल्टीविटामिन 1 और 2 दो उनको फ्रीक्वेंटली, ठीक है। ठीक है, वो दे दो, हो जाएगा कवर, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद जी। जी मोहन सर, डॉक्टर मोहन सर। सर नमस्कार जी, नमस्कार सर। नमस्ते, ये जो आप सर काम पुस्तक का जो आपने जो फॉर्मूला दिया सर,
वो एक्सपेक्टोरेंट ऐसा काम करता है, नहीं तो सर कॉफ स्टॉप करता सर। बिल्कुल बाहर कर देगा सर, स्टॉप नहीं करेगा, बैलेंस कर देगा, है ना हाँ। जी। नहीं कल रात में एक पेशेंट को दिया था तो वो काफ बढ़ गया था, तो मैं बोला भाई एक्सपेक्टोरेंट जैसा काम कर रहा है डॉक्टर। एक्सपेक्टोरेशन भी काम करेगा, पूरी गंदगी को बाहर निकाल देगा। जब गंदगी बाहर निकलेगी तो आप देखो पेशेंट ओवरऑल ओके हो जाएगा सर, है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, समझ जी गया, जी धन्यवाद सर। जी जी राकेश सर, राकेश सर, राकेश सर जी सर गुड मॉर्निंग, आवाज आ रहा है सर? सर आ रहा है सर, बोलिए। एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे अपन जी S10B रेगुलर यूज करते हैं, S10P1 रेगुलर यूज करते हैं COPD वगैरह में, क्या इसमें रेगुलर में हम लोग बी भी यूज करें क्या सर डाल? ना, जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट करो। S10P1 इज ए यूनिवर्सल फॉर COPD, यानी लंग्स का जितना भी आपको स्ट्रेंथ बनाना है आप केवल सिंगल S10P1 यूज करो। मैं हमेशा यूज करता हूँ, आप आओगे मैं दिखाऊंगा। मेरा S10P1 का एक D4 का बना हुआ, D3 का बना हुआ अलग ही मेरे पास रखा है। अगर पेशेंट लिक्विड नहीं लेता है तो मैं उसको सीधा D3 में ग्लोबल्स में प्रिपेयर करके देता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि 10 ग्लोबल्स दिन में 3 टाइम, 1 कप गुनगुने पानी, या जब भी चाय पियो उसमें घोल के भी जाओ, मैं सीधे दे देता हूँ। और जो जी लिक्विड ले लेता उसको सीधा D4 में देता हूँ कि भाई ये 10 10 बूंद दिन भर में 4 बार ले लेना। जी जी सर ठीक जी है सर, थैंक यू। नहीं जी फिरदौस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मॉर्निंग सर सर, बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। जी। सर पूछना था, एक डॉट है कि जो अपने पास जितना भी बेस का जो बताए हैं, जैसे डायगो कर हो गया, एसिडी क्योर हो गया, तो क्या पूरा का मतलब कि मैं D3 में ही बेस उसको तोड़ के देना है, फिर कंप्लीट से भी उसको ले सकते हैं? सर मैंने तो आपको D3 का बेस इसलिए बता दिया कि आप उसको D4, D5, D6 जैसा आप यूज करना चाहें, आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन यूज करना है। अगर बढ़ाना है तो D4, D5 में दो, अगर घटाना है अच्छा तो D6 से D10 तक चले जाओ, या फिर तीन प्रोटोकॉल में काम करो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, बात ही खत्म। ठीक ओके सर जी है ना, मैं जी हमेशा थैंक फर्स्ट यू सेकंड और सर थर्ड में काम करता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं लेके जाता इनको। जितने भी बैस होता है, बैस से कोई डिसीज कवर नहीं होती। ठीक है, बैस इसलिए दिया गया है कि ये सबसे बड़ा सपोर्टिव मैकेनिज्म होता है। भाई बैस हम क्यों देते हैं? भाई डिसीज के लिए तो हम तुरंत हाँ प्रोटोकॉल बनाते हैं ना। बैस इसलिए देते हैं कि बिल्कुल ये एक ऐसा यूनिवर्सल फार्मूला है जो पर्टिकुलर जगह पर जाकर उस स्थिति को सुधार देता है जिसको सुधारने के लिए हम लोग प्रेशर करते हैं। ठीक है, सही मॉडर्न जी साइंस जी के पास नहीं है सर, है ना। ओ मॉडर्न जी साइंस जी तो हर जगह चेंज कर देता, हमारा तो बेस निश्चित है कि ये ऑर्गन पे काम करना है। इस ऑर्गन का काम गड़बड़ हो रहा तो बढ़ाना है तो D4, D5 में दे दो, घटाना है तो D6 से D10 तक चले जाओ। ठीक है, ओके ओके हाँ। सर अब जैसे मान लो जी HGPT SGOT बढ़ा हुआ है, हाइपर है, तो आप जी क्या करो? हाइपर कंडीशन है, क्या करोगे आप? नेगेटिव देना है। पॉजिटिव दोगे, हाँ नेगेटिव दोगे? अगर हाइपर है तो मतलब कि नेगेटिव देना है ना सर उसमें, तो आप क्या करोगे मुझे बताओ, लीवर ड्रॉप को क्या करोगे? लिवर ड्रॉप के भी अगर नेगेटिव में देना है। सीधा थर्ड डायलेशन या D6 कर दो, 10 दिन के बाद देख लेना पेशेंट पूरे ओवरऑल सिम्टम डिसअपेयर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ यही चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है जी थैंक जी, यू जी।